हेलो एवरीवन, जो आज घर आपको मैं दिखाने आई हूँ ना, ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट घर है, क्योंकि एक तो ही मैंने बहुत दूर से बनाया, दूसरा कस्टमर की जो चॉइस थी ना वो बहुत अच्छी थी एंड कस्टमर ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे। आपको ये वीडियो देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। इस घर को बिल्कुल एंड पर देखना, क्योंकि इसमें एक बोनस पॉइंट है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। मेन फॉयर जो एंट्री फॉयर भी है ये काफ़ी लंबा था, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि फुल सीलिंग बना ली है, जिसमें मैंने नंबर ऑफ लाइट्स लगा दी है, जिससे कि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। ये बनाई है शुलैक एंड ये आउटर फॉयर का पूरा डिज़ाइन है, जिसके पीछे फोर लाइट्स है एंड ये डिज़ाइन थोड़ा सा इरेगुलर शेप में बनाया ताकि ये बिल्कुल बेसिक ना लगे। ये गैलरी की नेम प्लेट और ये है मेरा यूनिक दरवाजा। ये सिक्योरिटी डोर है, इसमें ग्लासेस लगे हुए हैं बीच बीच में ताकि आप अंदर से बाहर देख सको। ये टिपिकल वाला मेनू है जिसमें गाड़ी है, तो मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको घर कैसा लगता है। इनर फॉयर में यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बीम था, इसको मैंने यूटिलाइज किया है, एक बहुत छोटी सी स्टोरेज दी है इसमें, हैंडललेस रहेगी, इसमें आप छोटा मोटा सामान कीज एंड ऑल अपना रख सकते हो। ये सारे लूवर्स लगाए हैं और यहाँ पर मैंने लगाया एक मिरर। इस मिरर से क्या होता है, आते जाते आप एटलीस्ट आपको एक बार चेकआउट कर सकते हो लाइक दिस। और उसके बाद ये क्या स्पेशियस लगता है। एक्चुअली बिल्डर ने जो फॉयर दिया था उसकी जो आप बीम देख सकते हो, बीम का जो एंड है यहाँ तक का फॉयर था, बट इस फॉयर को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया है और इसकी बैक साइड पर बनाई है क्रॉकरी जो आप अभी नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। और यहाँ पर था एक बीम जिसको मैंने पूरा सा राउंड किया है ताकि एंट्री इससे बहुत अच्छी लगे। ये है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग और जैसे कि आप देख सकते हो बिल्डर वाली वो वॉल थी जो कि यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत छोटा टीवी आता, तो इसमें से टीवी बड़ा आ सके यहाँ पर मैंने पार्टीशन एड ऑन किया है। बट अगर सॉलिड पार्टीशन एड ऑन करती तो ये थोड़ा बल्कि लगने लगता और क्लाइंट की जो डिमांड थी वो थी कि क्लासी सिंपल बट थोड़ा लाइट वेटेड घर लगे, कॉस्ट ऑफ कोविड बिल्कुल नहीं लगे। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत ध्यान से रखी है वो था एसी, क्योंकि यहाँ पे एसी का प्रोविजन नहीं था और मुझे थोड़ा सा बड़ा लुक देना था, तो मैंने यहाँ पे वेलवेट बनाया है, एसी उसके ऊपर लगाया है और ये फैन चैनल वाले कर्टेन्स पीछे आ गए। अब आते हैं इसकी सिटिंग पे, तो यहाँ पे मैंने एल शेप सोफा प्रेफर किया था एंड बैक वॉल बनाई है जो कि बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। आप देख सकते हो ये जो मोल्डिंग्स हैं, दीज आर नॉट बेकिंग मोल्डिंग्स, ये कस्टमाइज मोल्डिंग है विद दीज पैटर्न्स। ये थ्री पैटर्न है सारे के सारे, क्योंकि बेसिक मोल्डिंग बहुत लगती है बट जिस घर का थीम था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद आया। तो ये दीज आर दी थ्री मोल्डिंग्स। अच्छा, अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फॉयर एक्सटेंड किया है, वो फॉयर मैंने इसलिए एक्सटेंड किया है। दिस इज दी क्रॉकरी। इस क्रॉकरी की डेप्थ लेते हुए मैंने ये फॉयर एक्सटेंड किया और इस क्रॉकरी के पीछे मिरर लगाया हुआ ताकि क्रॉकरी और स्पेशियस दिखे। उसके बाद ये हमारा है डाइनिंग पोर्शन। डाइनिंग पोर्शन एज कम्पेयर टू बहुत सारे घर ये थोड़ा सा छोटा था, बट डिजाइनर्स बना रहे हैं तो उसको छोटा तो लगने नहीं दे सकते। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट सीलिंग प्लान करिए, आप देख सकते हैं मैंने लूवर्स एंड हेक्सागन्स लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल मिरर वॉल प्लान करिए। इस मिरर वॉल से ये जो डाइनिंग का पोर्शन है थोड़ा और बड़ा दिखता है और वो वाला पोर्शन की जो रिफ्लेक्शन आती है उससे ये और खासी है।
इसी वजह से ये किचन बहुत बड़ा है। दूसरा रीजन है कि जितने भी सॉफ्ट अप्लायंसेज या और भी कुछ भी चीजें होती हैं, वो अपनी अपनी जगह पर प्लेस्ड है। जैसे ये माइक्रोवेव, इसके अंदर रोलिंग शटर के अंदर सारा कुछ सामान आ जाता है, जैसे डेली बेसिस पे जो भी हमारी चीजें यूज होती है, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, सब इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद ये कुछ ओपन शेल्फ्स ऐड करिए ताकि किचन का लुक अच्छा आए, और इसके अंदर थोड़ी सी लाइटिंग्स भी दी है। कुछ स्पेशल चीजें ऐड करिए यहाँ पे, जैसे कि ये है फाइव फोल्ड, इसमें आपके दोनों पार्टीशन अलग अलग नहीं खोलते, सेम खोलते हैं। यहाँ पर विकर बास्केट बिल्कुल ओपन में नहीं दी है, वेंटिलेशन जाली लगा करके दी है, और इसके अंदर आ गई है विकर बास्केट दो। तो इससे क्या हुआ, हमारे किचन का सीनियस लुक आ गया बेडरूम। आप सीलिंग
दो कलर की है मैं, इसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें एड ऑन नहीं हुई। हर चीज़ ये है हमारा टीवी यूनिट, टीवी यूनिट से पीछे लगाए थे व्यूवर्स टीवी एंड साइड में छोटी सी एक वॉर्डरोब है, एक ओपन शेल्फ एंड अ स्टडी एंड अ एरिया। और ये जो है पेलमेट, पेलमेट के पीछे आपके कर्टेन्स, इसकी वजह से सारी चीज़ें अपनी जगह पर लगती हैं। सो बोनस पॉइंट ये था इस वीडियो का, आपने इस पूरे घर में कहीं भी कोई फैंसी लाइट, कुछ शैंडलियर कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस पूरे घर में जो मैंने प्लानिंग करी है वो करी है सीओबी लाइट्स की, ना कोई पैनल लाइट्स की। दूसरी चीज मैंने लिविंग रूम में जो प्लानिंग करी है वो है मैग्नेटिक लाइट्स। जिसकी बहुत सारी एक्सेसरीज आती है, मैंने तीन यूज करी है, ट्यूब, एलईडी एंड फोकस लाइट। तो यही था मेरा बोनस पॉइंट। जरूरी नहीं है हमें हमारे घर को बहुत ज़्यादा हैवी दिखाना है, घर की प्लानिंग सबसे मेजर चीज़ है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर देगा। थैंक यू।